हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की। और क्या हाल है आपके? दोस्तों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में इस वीडियो में मैं आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करियर बनाना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और उससे पहले, अगर आप इस चैनल का कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक इन्वेस्टिगेशन है जो कंडक्ट किया जाता है स्टेक होल्डर्स को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी की इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसमें जो टेस्ट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है सॉफ्टवेयर में बग्स फाइंड करने के इरादे से। बग्स यानी एरर्स या डिफेक्ट्स जो सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं। जनरली एक सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को इन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट चेक किया जाता है कि क्या वो डिजाइन और डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया गया है, क्या वो सभी तरह के इनपुट्स को सही से रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या वो ठीक तरह से यूजेबल है, क्या उसे उसके बताए गए एनवायरमेंट्स में इंस्टॉल किया जा सकता है, क्या वो उसके स्टेक होल्डर्स की आशा के अनुसार रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं। तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में किसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल होता है ताकि वो कुछ सेलेक्टेड टेस्ट्स उस पर कर पाए दिए गए टाइम और रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन उद्देश्य ये होता है कि सॉफ्टवेयर फेलियर्स को डिटेक्ट किया जाए ताकि उन डिफेक्ट्स को पहचान के करेक्ट किया जा सके। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हुए ये तय कर लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर को कब और कैसे टेस्ट करना है। सभी सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स कोडिंग एरर्स की वजह से हो ये जरूरी नहीं है। एक कॉमन डिफेक्ट जो होता है वो है रिक्वायरमेंट गैप्स का, मतलब कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो प्रोग्राम के डिजाइनर से मिस हो गई हैं और जिसके कारण एरर आ गया। अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या रोल्स होते हैं। नॉर्मली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को एक अलग से करियर के रूप में 1980s के बाद देखा जाने लगा। इसमें काफी तरह के रोल्स होते हैं, जैसे टेस्ट मैनेजर, टेस्ट लीड, टेस्ट एनालिस्ट, टेस्ट डिजाइनर, टेस्टर, ऑटोमेशन डेवलपर, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इत्यादि। वैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को बाकी के लोग जो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टर्स नहीं हैं, उनके द्वारा भी परफॉर्म किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि टेस्टिंग के कितने लेवल्स हैं। नॉर्मली 3 लेवल्स के टेस्टिंग होते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। कुछ केसेस में एक चौथे लेवल का टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को डेवलपर्स इंक्लूड कर सकते हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है देखते हैं। यूनिट टेस्टिंग में कोड के किसी सेक्शन के फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एज ए ग्रुप उन्हें टेस्ट किया जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कंपोनेंट्स के बीच इंटरफेसेस को वेरीफाई किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर डिजाइन के अगेंस्ट किया जाता है। सिस्टम टेस्टिंग में यह वेरीफाई किया जाता है कि सिस्टम के सारे रिक्वायरमेंट्स मीट हो रहे हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम के लॉगिन इंटरफेस की टेस्टिंग, कुछ डिलीट करने के फीचर की टेस्टिंग इत्यादि। आइए अब देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स कौन से हैं। वैसे तो काफी हैं, बट कुछ मेन टाइप्स आपको बता देता हूं। स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग। सैनिटी टेस्टिंग से यह पता चलता है कि क्या आगे और टेस्टिंग करना चाहिए। स्मोक टेस्टिंग में यह चेक करते हैं कि क्या कोई बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो सॉफ्टवेयर को बिल्कुल ही काम करने से रोकेंगे। रिग्रेशन टेस्टिंग तब किया जाता है जब किसी बड़े कोड चेंज की वजह से डिफेक्ट्स मिले हों। और कुछ टेस्टिंग के टाइप्स हैं, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
आइए अब देखते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग क्या है। पहले मैनुअल टेस्टिंग काफी किया जाता था, जिसमें काफी मैनुअल काम होता था। आज के समय में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ऑटोमेटेड टेस्टिंग पर बहुत रिलाय करती हैं। ऑटोमेटेड टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर टेस्ट रन करती हैं और वो ज्यादा इफेक्टिव और टाइम सेविंग है। लेकिन ऑटोमेटेड टेस्ट रन करने के लिए टेस्टर को यह अच्छे से सीखना होता है कि कैसे ऑटोमेटेड टेस्टिंग किसी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया जाए। टेस्टिंग से रिलेटेड ज्यादातर जॉब्स भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट रखती हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना चाहते हैं तो ऑटोमेटेड टेस्ट इंप्लीमेंट करना जरूर सीखें। टेस्टिंग करते समय टेस्टर को काफी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हो सकते हैं, जैसे कि टेस्ट प्लान, टेस्ट केस, टेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट सूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उम्मीद है दोस्तों काफी कुछ जाना होगा आपने इस वीडियो में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।